इधर आ जाइए ना तो फिर समझ केंद्र में होना चाहिए। आ जाए क्या बोल रहे राष्ट्रीय स्तर हाईकोर्ट का फैसला जो है ये मानते हैं कि बीजेपी की बड़ी हार है और नहीं हार करिए नहीं नहीं मैं किसी दल की हार को नहीं मानता हूँ, लेकिन जिनने अनर्थ तर्क दिया है उन्हें मैं समझा रहा हूँ। आधुनिक दुनिया में अनर्थकारी तर्कों को बंद करो। यदि चाहते हो विश्व में सबसे ऊंचा स्थान पाना तो भारत की 130-140 करोड़ जनता जो कही जा रही है सबको सशक्त बनाओ। अपंग रख करके एक बहुत बड़े शिक्षक को भारत कभी मजबूत नहीं हो सकता। देश की जनगणना भी जातीय आधार पर होनी चाहिए। केंद्र में केंद्र में होना ही जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? केंद्र में इसलिए होना चाहिए, ये बिहार ने जो दिशा दी है भारत के लिए, तो भारत के कानून में भारत के संविधान में अवरोध कहीं पर नहीं है। एक समदर्शीय कानून बनाने के लिए जहाँ जहाँ भी अवरोध हो उसी सभी मिलकर के पार्लियामेंट के द्वारा बकायदे जो आज समीक्षा या सेंसस इन दोनों में एक बहस चल रही थी। सेंसस से निराशा क्या? अरे हम तो पुरखों के खतियान में जात लिखी हुई है, पुरखों के खतियान में जात लिखी हुई है। आज भी हम जाते हैं कहीं परीक्षा देने, कहीं एडमिशन फॉर्म भरते हैं, हम कहीं नाम लिखाते हैं, जाति और धर्म को लिखवाया ही जाता है। संख्या तो छुपाई जा रही है, सवाल तो बस गठबंधन का क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में? इंडिया गठबंधन एक सवाल है, राजनीतिक पार्टियां में भी क्या उनको फायदा मिलेगा? क्या जनगणना होने का हो गया?